नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूं बिग बैश लीग 2020 के दोस्तों जो है आपका फोर्थ मैच की मैच प्रेडिक्शन। और जो फोर्थ मुकाबला है दोस्तों, ये खेला जाएगा 12 दिसंबर को और ये जो मुकाबला है दोस्तों होगा भारतीय समय अनुसार 1:45 पे ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा मनुका में। तो मैच में और ये मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स के बीच। तो दोस्तों, मैच में जाने से पहले अगर मैं दोनों टीमों के प्लेयरों पर नज़र डालूँ और देखो किस टीम की बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग है, किस टीम की गेंदबाजी, तो पर्थ स्कॉचर्स के पास जो प्लेयर हैं बल्लेबाजी में वो है मिचेल मार्श दोस्तों, कैमरन बैनक्रॉफ्ट जैसे बल्लेबाज दोस्तों, और आपका मैथ्यू कैली जैसे, जॉश इग्निस जैसे बल्लेबाज है दोस्तों, कर्टिस पैटरसन जैसे बल्लेबाज हैं। वहीं अगर मैं दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स की बल्लेबाजी में डालूं तो उनके पास एरन फिंच, जैक इवेंस जैसे बल्लेबाज, सैम हापो, मार्कस हैरिस, मैकेंजी हावी जैसे बल्लेबाज और मोहम्मद नबी जैसे बल्लेबाज, राइली रूसो जैसे बल्लेबाज हैं दोस्तों। तो अगर मैं पड़ा भाली की बात करूँ तो बल्लेबाजी में तो मुझे जो है दोस्तों जो है मेलबर्न रेनेगेड्स का पड़ा भारी लग रहा है। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी में डालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पर्थ स्कॉचर्स की गेंदबाजी में डालूँ तो उनके पास एंड्रू टाई, जे रिचर्डसन, आपका एचटन एगार जैसे गेंदबाज हैं, जेसन बैनक्रॉफ्ट जैसे गेंदबाज हैं। वहीं अगर मैं दोस्तों जो है मेलबर्न रेनेगेड्स की गेंदबाजी में डालूँ तो उनके पास दोस्तों जो गेंदबाज हैं वह कैमरन वॉयश जैसे गेंदबाज है दोस्तों, जॉश लेलोर जैसे गेंदबाज हैं, मिच पेरी जैसे गेंदबाज है दोस्तों, जैक फिस्टविच जैसे गेंदबाज हैं, केन रिचर्डसन जैसे गेंदबाज हैं, विल सदरलैंड जैसे ऑलराउंडर हैं दोस्तों, और ओवरसीज में भी इनके पास इमरान ताहिर जैसे गेंदबाज हैं दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो मेरा पर्सनल मानना है कि बल्लेबाजी या गेंदबाजी दोनों में ही जो है मेलबर्न रेनेगेड्स का पल्ला भारी है दोस्तों। और अगर मैं की प्लेयर्स की बात करूँ तो दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से होंगे एरन फिंच और दोस्तों मोहम्मद नबी होंगे की प्लेयर। वहीं अगर मैं दोस्तों पर्थ स्कॉचर्स की लिए की प्लेयर की बात करूं तो उनकी तरफ से होंगे दोस्तों उनके जो प्लेयर हैं एशिंगटन, एंड्रू टाई जैसे प्लेयर दोस्तों होंगे की प्लेयर्स ड्रीम इलेवन के लिए। और अगर आपको बिग बैश लीग 2020 में फिक्स मैच टॉप सेशन की रिपोर्ट चाहिए तो आपको राकेश भाई प्रेडिक्शन का व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उनसे मैसेज करके रिपोर्ट ले सकते हैं दोस्तों, काम उनका काफ़ी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो मैच विनर होगी वो होगी मेलबर्न रेनेगेड्स, क्योंकि मेलबर्न रेनेगेड्स के पास जो प्लेयर हैं उनके पास मैच फॉर्म है, जैसे कि आपका एरन फिंच है ये काफ़ी अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं और अच्छे काफ़ी कप्तान भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो मेलबर्न रेनेगेड्स जीतेगी क्योंकि बैटिंग के साथ साथ उनका जो बॉलिंग में जो टीम है मेलबर्न रेनेगेड्स की इस बार स्ट्रांग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।